हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आप सभी का मेरे व्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं पूजा आप सभी फ्रेंड का स्वागत करती हूँ मेरे न्यू व्लॉग में। तो दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मेरे हो गए थे बासी चावल फ्राई। तो बस कुछ नहीं बनाया, ये बासी चावल पड़े हुए थे रात के बचे हुए और काफ़ी सारा बचा हुआ था, तो मैंने इसको फ्राई कर दिया, मतलब तड़का लगा दिया जीरा से और टमाटर वगैरह डाल के। प्याज तो मैं डालती नहीं, तो बस तड़का लगाने के बाद उसके बाद बैठ गई हूँ खाने के लिए, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना तो हम सभी के लिए है, खाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद निकल पड़ी हूँ मिशन पे। तो आज जा रही हूँ मैं पार्लर, क्योंकि मेरी आईब्रो काफ़ी सारी बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा हो रखा था और कम से कम 3-4 महीने हो गए मैंने आईब्रो नहीं बनवाया। तो फाइनली आज मैं निकल पड़ी हूँ और जो है देख सकते हो कितनी अच्छी सी धूप निकली हुई है। हमारे यहाँ पंजाब में बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है, तो आप लोगों को वीडियो में शेयर भी कर दिया। और इसी रास्ते से जाऊँगी तो रास्ता बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने वीडियो भी बना लिया आप लोगों के लिए। तो उसके बाद देखिए पार्लर में पहुँच चुकी और मेरी आईब्रो बन चुकी है और थोड़ा सा ना उससे छुप कर मैंने वीडियो भी बना ली। तो ये देखिए यहाँ पर वो कुछ कर रही थी तो मैंने इतना सा वीडियो बना लिया था। उसके बाद फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये देखिए ये है दीपनगर की तरफ और यहाँ पे नान की रेड़ी लगी हुई है, देख सकते हो बहुत महंगा देता है जी, कौन खाएगा इसकी नान। तो बहुत ही महंगा मिलता है नान वगैरह यहाँ पे। और ये देखो ये आयुर्वेदिक कुछ है, गड़म बगड़म पता नहीं क्या बेचते हैं, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद आते ही मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने ये ना सूजी का डोसा बना लिया था, प्लेन डोसा और सब्जी मेरे पास थी, मैं उसी के साथ खा लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद रात के खाने की तैयारी हो चुकी है, मतलब सब्जी बनाने में लग चुकी हूँ मैं। आलू मटर की बनाऊँगी सब्जी, तो देख सकते हो तड़का लगा रही हूँ सब्जी में। तो टमाटर और प्याज का, सॉरी प्याज तो मैं डालती नहीं, टमाटर और मिर्ची का तड़का लगाया था, जीरा और मेथी का। और ये सुबह के लिए आलू के पराठे का भी इंतजाम मैं अभी इस टाइम करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ मैं। तो इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी जो भी है सारे मसाले वगैरह डाल दूंगी, धनिया भी डाल दूंगी, सब कुछ डाल के और मिक्स करके इसको रख दूंगी। और साथ के साथ यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन रही है, आलू मटर की सब्जी उबाल के बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, और चावल के साथ खाएंगे और रोटी बनेगी। और ये देखिए आलू जो पराठा बनाना है उसके मसाले में मैं इसमें धनिया वगैरह डाल दे रही हूँ, और आजकल धनिया तो काफ़ी सारी होती है, खूब धनिया मार के जो है सब्जी और पराठा बनाओ। तो ये देखिए आलू डाल दूंगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करके जो है पका लूँगी मसाले के, और जो है ये जो आलू और मटर है इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए ढककर रख दूँगी। उसके बाद ही इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि पहले मसाले अच्छे से पक जाए, मिल जाए, तो फिर पानी डालो, तब जाके ठीक रहता है। और बोल बोल के मेरा गला भी दुखने लगा है और इसको जो मुझे सुबह पराठा बनाना है उसका आलू भी मैश करके रख दूंगी और सारा मसाले वगैरह अच्छे से डाल के और उसको मिक्स करके रख दूंगी मैं सुबह के लिए। तो मेरा सुबह का भी इंतजाम हो चुका है, रात को ही कर लेती हूँ आलू के पराठा अगर बनाना है ठंड में, तो क्योंकि सुबह सुबह उठो और ठंड में आलू उबालो और फिर जाके पराठे बनाओ तो बहुत मुश्किल होती है ठंड में। तो ये देखिए जो मेरा मसाला है सब्जी का पक चुका है अच्छे से। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी, करीब 2 लोटा डालूंगी, क्योंकि छोटे से गड़वी है तो गड़वी से पानी डालूंगी 2 गड़वी, क्योंकि हमें खाना है चावल के साथ, मुझे नहीं, मेरे पति को चावल के साथ खाना है, मैं तो रोटी के साथ खा लेती हूँ। उसके बाद अगले दिन सुबह मिल रहे हैं हम लोग 11 बजे, तो देख सकते हो 11 बज रहे हैं और धुंध इतनी ज़्यादा है अभी तक, और बेटी हो गई पागल इस धुंध की वजह से, ठंड में हो गई बेचारी पागल, तो ये इधर उधर भागने लगी है ठंड में, ठंड इसको लग गई है ना इसलिए भाग रही है ये ठंडी की वजह से। और देख सकते हो मौसम का बुरा हाल, इतना बुरा हाल हमारे यहाँ का मौसम है, तो आप लोग देख सकते हो ये पंजाब की ठंड है रे बाबा, यहाँ पे कोई नहीं बच सकता ठंड से, सब के सब जो है ठंड में जाएंगे। तो यहाँ पे आग जलाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और देख सकते हो उसके बाद धूप भी निकल गई थी, करीब 2-3 घंटे बाद धूप निकल गई थी, ये 2-2.5 बज रहे हैं यहाँ पे और धूप निकल चुकी है, और मैंने चढ़ा दिया गाजर का हलवा बनने के लिए। मैं सोचा चलो अब यहाँ पे ना चूल्हे पे मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ, आज मन था चूल्हे पर बनाने का, तो बच्चे खेल रहे और हम लोग जो है उसके बाद गाजर का हलवा चढ़ाने के बाद मंगवाए थे समोसे, समोसे क्या बात है समोसे। तो ये देखिए बेटा तो खुशी के मारे पागल हो चुका है समोसे देखते ही, तो लेकर आया था, आफ्टरऑल बेटा ही लेकर आया था और कौन जाएगा लेने के लिए, तो बेटा समोसा लेकर आया और वहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा रखा, मतलब गाजर का हलवा पक रहा है और यहाँ पे हम समोसे का मज़ा उठाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए
समोसे खाने के लिए, तो यहीं से मंगवाए थे पास की शॉप से, मतलब चाय वाले भैया से समोसे मंगवाए थे, मतलब चाय की दुकान से समोसे लेकर आए गए हैं खाने के लिए। और काफ़ी टेस्टी बनाते हैं समोसे, लेकिन 10 रुपये का एक समोसा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए खाते हैं। और साक्षी की ये है फ्रेंड जो, वो उसने भी बहुत मदद किया चूल्हा जलाने में, क्योंकि हमसे ना चूल्हा जल नहीं रहा था, तो काफ़ी मुफ्त जो मेहनत के बाद चूल्हा जला था, और फिर गाजर का हलवा हमने चढ़ा दिया, वो तब तक पकेगा, तब तक हम यहाँ पे खाएंगे समोसा। ठीक है फ्रेंड्स, और बोल बोल के थक गई हूँ मैं, तो आप लोग म्यूजिक का मजा लीजिए। तो ये देखिए गाजर का हलवा मेरा बन रहा है, और इसमें दूध भी डाल दिया, तो अभी दूध सूखा नहीं है, तो दूध वाला बना रही हूँ ना, तो अभी तक सूखा नहीं है ये दूध बिल्कुल भी, देख सकते हो अभी भी है इसमें, तो इसको अब खुला मैं पकाऊंगी अच्छे से, जब तक ये सूख नहीं जाएगा तो तब तक इसको मैं पकाती रहूँगी, और फटाफट से बन जाएगा। चूल्हे पर तो जल्दी बन जाता है क्योंकि चूल्हे की आँच होती है तेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए बनने में लगा हुआ है धीरे धीरे, अभी तक इसके अंदर दूध है काफ़ी सारा, तो ये धीरे धीरे पकता रहेगा, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कब बनेगा, कब ये खाएंगे, मतलब बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो ये देखिए इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और तैयार हो चुका है गाजर का हलवा, तो सभी बच्चे जो है एंजॉय करेंगे गाजर का हलवा। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, और फुल वॉच के साथ देखना, और जो भी पहली बार देखता है तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके बाय बाय, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।